नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आया हुआ है वीवो का Y12G। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं उसे करने वाला हूँ FRP अनलॉक, और वो भी अनलॉक टूल की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे वीवो Y12G की FRP कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैं सबसे पहले आपको दिखा भी देता हूँ कि इसके अंदर FRP लगी हुई है कि नहीं लगी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, और नेक्स्ट के बाजू वाले बगल में जहाँ पे स्किप का ऑप्शन हो आना चाहिए, वहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम उसके लिए फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे, और स्विच ऑफ करने के बाद फ़ोन को खोलना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है क्विलकोम, तो हमें ये भी चेक करना पड़ता है। तो हम चेक कैसे करते ये भी मैं आपको आज दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद वहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे अपना मॉडल नंबर डालना है Y12G CPU टाइप। तो यहाँ पे आप देख लो दोस्तों कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्विलकॉम। ठीक है, तो क्विलकॉम होगा, तो क्विलकॉम के लिए हमें उसके बाद क्रोम ब्राउज़र में ही लिखना है EDL पॉइंट। ठीक है, टेस्ट पॉइंट, ये टेस्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देख लो सामने इसका टेस्ट पॉइंट और EDL पॉइंट कहाँ पे है। और ये जो EDL पॉइंट होता है दोस्तों, उसे शॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो फ़ोन को हमें खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद हमें उस EDL पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ता है फ़ोन को। तो दोस्तों मैंने खोल के ये वीडियो में थोड़ा आधा आधा कट करके वीडियो एडिट की है, ताकि दोस्तों आपका टाइम बिगड़े नहीं। ठीक है, और दोस्तों और एक बात का खास ध्यान रखना है आपको, कि आप जब भी टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट कर रहे हो, तब आपको बैटरी को अटैच नहीं करना है। ठीक है, आप अटैच करके करोगे तो वो कनेक्ट भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बैटरी को रिमूव कर दिया है। ठीक है, और EDL पॉइंट को शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करते ही हम डेटा केबल को इंसर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये मैं EDL पॉइंट को शॉर्ट कर रहा हूँ अभी, और शॉर्ट करते ही मैंने डेटा केबल को इंसर्ट कर दिया। और आप जैसे ही डेटा केबल को इंसर्ट करोगे, तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको 9008 करके क्विलकॉम पोर्ट बन जाएगा। और मैं ये अनलॉक टूल भी ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी कर देना, और कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को दोस्तों ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें जाना है वीवो। ये देखो यहाँ पे सर सीधा सो हो गया ना, 9008 करके पोर्ट बन चुका है। अभी हमें जाना है वीवो ब्रांड पे, और वीवो ब्रांड में जाने के बाद यहाँ पे लिखना है Y12G। और Y12G लिखने के बाद वो नहीं आ रहा है, Y12G और Y20, ये काफ़ी तीन चार मॉडल में एक ही मॉडल नंबर है, और जिसके अंदर जो PCB लगी हुई है एक ही लगी हुई है, लेकिन उसके कंपनी ने क्या पता मॉडल नंबर अलग अलग करके दिया हुआ है। तो इस बात को भी दोस्तों आपको मेरा थंबनेल देख के ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके अंदर कितने कितने मॉडल में यही ट्रिक आपको वर्क करेगी। इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान रखें। ये देख लो दोस्तों, इसने सिर्फ और सिर्फ 26 सेकंड के अंदर इसकी FRP रिमूव कर दी है। Y12 ये कितने में, Y20A में गया, और Y20A में जाने के बाद सीधा मैंने सिर्फ इरेज FRP पे ही क्लिक किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसने अपना काम सिर्फ और सिर्फ 26 सेकंड के अंदर इसने रिमूव कर दिया है। चलो हम देखते हैं दोस्तों कि इसने FRP रिमूव की है कि नहीं की, क्योंकि हमारा मॉडल था Y12G और हमने किया है Y20A पे। क्या हो रहा है तो देख लेते हैं दोस्तों। और एक खास बात का ध्यान रखना है दोस्तों आपको, कि आप
जब भी कोई भी कस्टमर का सॉफ्टवेयर का काम करते हो या तो फिर अनलॉक का काम करते हो, तो कस्टमर के पास से आईडी प्रूफ लेना ज़रूरी है। आईडी प्रूफ नहीं दे रहा है तो उसके पास से बिल मांगो, बिल नहीं है, बक्सा मांगो, बक्सा भी नहीं है उसके पास। तो प्लीज़ दोस्तों, आप ऐसा काम मत करना कभी भी, कि जिसके लिए आपको जेल भी जाना पड़े, क्योंकि ये अनलॉक का काम है। अनलॉक का हम किसी का तो नहीं कर सकते। ये देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ पे इसने स्किप का ऑप्शन भी दे दिया है, और हमारा सक्सेसफुली इरेज एफआरपी हो चुका है। ये नेक्स्ट नेक्स्ट स्किप स्किप, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये फाइनली दोस्तों हमारा वर्क कर चुका है, ठीक है। ओनली फॉर इसने 20 सेकंड्स के अंदर इसने एफआरपी को रिमूव कर दिया है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।